बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, पहले भी आपको बताया कि वायु तत्व की तीन राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। पहली जो राशि है वो है जेमिनाई यानी मिथुन। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो होता है बुध यानी मरकरी, और शनि यहां पर भाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है। शनि का रोल यहां पर भाग्य बढ़ाने वाला होता है। मिथुन राशि के लोग सामान्यतः अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये राशि आकर्षण की और बुद्धिमता की राशि मानी जाती है। मिथुन राशि के लोग हाजिर जवाब होते हैं, जवाब बिल्कुल क्विक देते हैं, चपल होते हैं, चंचल होते हैं और आकर्षक भी होते हैं। मिथुन राशि को अगर एक शब्द में आप डिफाइन करें तो आप कहेंगे ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी अच्छे दिखते भी हैं और इंटेलिजेंट होते भी हैं। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये दुविधा में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं और अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। यानी कंफ्यूजन और लापरवाही इनको परेशान करती है। इनको नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर ये नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें तो जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी। साथ ही साथ हर शनिवार की शाम को अगर ये पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि जोडियक की तीसरी राशि है और मिथुन राशि वालों के अंदर बोलने की, लिखने की, बात करने की बड़ी ताकत होती है। उनके पास स्टाइल होता है प्रेजेंटेशन का, पहली बात। दूसरी बात, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, विषयों को समझ लेते हैं, विषयों की गहराई तक चले जाते हैं। ब्रेन बहुत शार्प होता है, तुरंत चीजों को एडॉप्ट कर लेते हैं। कमी सिर्फ मिथुन वालों की यह है कि एक साथ वो कई काम करने जाते हैं, इस चक्कर में कोई भी काम इनका नहीं हो पाता है, जिसका ध्यान इन्हें जरूर रखना।